डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। आईपीएल के संस्करण में मैं बीडी सिंह आप दर्शकों का स्वागत करता हूं। खेले गए इस मैच में राजस्थान रॉयल्स और सुपर किंग्स का मैच था और इसमें सुपर किंग्स ने सबसे पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। सुपर किंग्स की जो टीम थी वो 125 रन में सिमट गई 5 विकेटों के नुकसान पर। और जहां तक सुपर किंग्स की बल्लेबाजी का सवाल है, सुपर किंग्स की बल्लेबाजी में कोई बहुत निखार नहीं दिखाई पड़ रहा था। रविंद्र जडेजा ने 35 रन बनाए 30 गेंद पर। महेंद्र सिंह धोनी ने 28 बॉल पर 28 रन बनाए। इसके अलावा सेम करन ने भी 22 रन का योगदान दिया 25 गेंद पर। लेकिन सभी खिलाड़ी जो खेल रहे थे उनके अंदर एक उत्साह रोज की कमी थी। कोई भी बल्लेबाज एक आक्रामक अंदाज में नहीं खेल पा रहे थे। कुछ हद तक अगर कहा जाए तो रविंद्र जडेजा खेले 35 रन उन्होंने बनाए 30 गेंद पर, लेकिन जो 2020 गेम में जो रंग होना चाहिए था वो रंग दिखाई नहीं पड़ रहा था। कहीं ना कहीं एक फीकापन सा दिखाई पड़ रहा था। जहां तक राजस्थान रॉयल्स की बात है, उनके जॉस बटलर गजब की बल्लेबाजी करते थे। बिल्कुल वो मैदान के बीच बीच बिल्कुल वो ट्रैक पर आ जाते थे, बिल्कुल जिसको डांस डांस ट्रैक करते हैं वो बिल्कुल आते थे। और गेंद पर इतना कंट्रोल था कि हर दिशा में उन्होंने गेंद को मारा। उनकी खूबसूरत बल्लेबाजी की जो खूबसूरती थी वो देखते ही बनती थी। बिल्कुल कंट्रोल था उनको, बिल्कुल जो टेम्परामेंट कहते हैं वो बिल्कुल करेक्ट टेम्परामेंट के साथ खेल रहे थे। स्टीव स्मिथ उन्होंने भी अच्छा योगदान किया, 26 रन उन्होंने बनाए। और इसके अलावा जो हमारे बेन स्टॉक्स थे उन्होंने भी 19 रन का योगदान दिया। तो कुल मिलाकर के 126 रन उन्होंने बना दिए और उनकी टीम मात्र 17.3 ओवर में जो है राजस्थान रॉयल्स ने अपने लक्ष्य को पा लिया। इस तरह से 15 गेंद रहते हुए जो है उन्होंने सुपर किंग्स को परास्त कर दिया। और जितनी भी तारीफ की जाए राजस्थान रॉयल्स की वो कम है। और सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूँगा जॉस बटलर की, कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की, दिल जीत लिया। और राजस्थान रॉयल्स की जहाँ तक बात है वो क्रिकेट के हर क्षेत्र में इन्होंने सुपर किंग्स को परास्त कर दिया। और आज का खेल देखने के बाद दर्शक बिल्कुल गदगद था, मैं भी गदगद था। आईबीडी सिंह वेलकम ऑल द स्पेक्टेटर्स एंड लिसनर्स इन आईपीएल सीरीज। इन दिस एपिसोड ऑफ आईपीएल सीरीज आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब द मैच बिटवीन सुपर किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स। सुपर किंग्स वन एक्चुअली टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। रविंद्र जडेजा वाज अ बिट अग्रेसिव रादर विद 35 आउट ऑफ एक्चुअली 30 बॉल्स। एमएस धोनी 28 रादर आउट ऑफ 28 बॉल्स। And Sam Curran too did had actually the contribution of 22 balls. And so, in fact, not a single, in fact, batsman descending from Super Kings were actually extremely aggressive. And so, actually, the team could score only 125 for 5 in 20 overs. This was not a good score. MS Dhoni was actually not actually a contributory. And he, in fact, scored 28 runs. But Ravindra Jadeja was a bit aggressive in consideration of, in with respect to other players. And so only 25 was not actually a good score. And in consideration of 20 overs, now, so long as Rajasthan Royals is concerned, I think almost all the players of Rajasthan Royals were aggressive. Josh Butler was no doubt a great player. The way he, in fact, goes down the track to strike the ball around was quite amazing. One would merely surmise the way he gets down the track to strike the ball. One would merely surmise he was getting down actually the track to strike all around. I was quite amazed in consideration of his getting down. And moreover, actually, Steve Smith was also actually a great batsman. He, in fact, scored 26 runs when he stocks. Actually, contributed 90 runs. So in this way, in fact, Rajasthan Royals actually won actually the match. And in 17.3 overs, with 15 balls rather with 15 balls left. And so, in this part, before in closing my actually speech, I would like to say that Josh Butler was no doubt a great player. I was quite amazed by his actually aggression. He was aggressive, and every player of actually Rajasthan Royals was aggressive. With in respect to the players of actual Super Kings, so finally Rajasthan Royals in fact crippled down Super Kings, and that's all. Done.
मेरी टीम तो तैयार है और आपकी सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम डाउनलोड द ऐप नाउ क्रिकेट 2020 इन एसोसिएशन विद प्ले स्पॉट इंडियाज न्यू गेमिंग डेस्टिनेशन